हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, नाउ टुडे आई एम हेयर विद द इंग्लिश कोर्स बुक। एंड व्हाट अबाउट योर चैप्टर? विच चैप्टर इज रनिंग स्टिल? चैप्टर सेकेंड इज रनिंग ऑन। एंड द चैप्टर्स नेम यू हैव डबल मिडल, ओके? And we are taking the exercises of this chapter. And now today we have the remaining exercises of this chapter, which we will complete today's in test book. Okay students, now today, as you can see, I am on page number 23. As yesterday it was in your what? It was in your homework. Okay. So students, I have filled these all things, and you have to match your book or your work, whatever you have done by yourself. आप आज अपने work को match कर लेंगे, कैसे आप लोगों ने इसको complete किया है। और अगर आपको कोई mistake मिलता है तो आप उस mistake को correction भी कर लेंगे, ठीक है? Because if you all are having any problem still till your examination, that means you can lose your marks, ठीक है ना? सो ईच एंड एवरी थिंग शुड बी इन करेक्ट ऑर्डर इन करेक्ट वर्ड, ठीक है? सब कुछ क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। दैट्स वाई आई हैव डन दी आंसर्स ऑल्सो हियर। सो एक्सरसाइज 8 वॉज अबाउट योर एंड अंडरलाइन द कॉमन नेमिंग वर्ड्स एंड सर्कल द प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स इन दी सेंटेंसेज। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे कल हम लोगों ने किया था, यहाँ पे आपके कुछ सेंटेंसेज थे, इसमें हमें कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना था एंड प्रॉपर नाउन को सर्कल करना था, ठीक है? जो कि हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पे आप इसको अपने बुक में अच्छे से कर लीजिएगा। एंड नाउ वी विल मूव टू द टुडेज टॉपिक, एंड दैट इज अबाउट योर लेट्स ट्राई 9 एक्सरसाइज। ये भी मैंने आप लोगों को दिया था होमवर्क में करने के लिए। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव ट्राई टू डू इट, ओके? सो नाउ लेट मी टेल यू वंस अगेन। Find 10 naming words in the story Double Middle, and now underline the proper naming words. Find 10 naming words means सबसे पहले आपको क्या करना है इन द स्टोरी। What's the story? Means just your chapter Double Middle, ठीक है? आपका जो Double Middle chapter है उसमें से आपको 10 naming words find करना है। Naming words like your noun. Naming words are the name of people, person, same, things, animals, ठीक है ना? इन सारे चीज़ों के नेम को आपको फाइंड करना है 10 नेमिंग वर्ड को। एंड उसके बाद क्या करना है? नाउ अंडरलाइन द प्रॉपर नेमिंग वर्ड, एंड देन इफ यू आर गेटिंग द वर्ड्स इन प्रॉपर नाउन, ठीक है ना? प्रॉपर नाउन कैसे फाइंड करेंगे? ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। अगर आपको प्रॉपर नाउन्स मिलते हैं अपने वर्ड्स में, तो देन आप अपने प्रॉपर नाउन्स को, उन सारे प्रॉपर नाउन्स को क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है ना? एंड जस्ट बी रिमेम्बर अबाउट इट, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। किससे स्टार्ट होता है प्रॉपर नाउन? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है ना? फर्स्ट लेटर जो होता है प्रॉपर नाउन का, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एंड इट कैन बी द नेम ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर, डेज ऑफ द वीक, आर मोन्यूमेंट्स नेम, रिवर्स नेम, होली बुक्स नेम, ओके, आइसलैंड्स नेम, ठीक है? ये सारे आपके प्रॉपर नाउन्स होंगे। एंड इसमें पार्टिकुलरिटी होगी, स्पेसिफिक थिंग्स होंगे, ठीक है ना? प्रॉपर नाउन में जो भी आपके वर्ब्स हैं या जो भी वर्ड्स हैं वो आपका जनरल नहीं होगा। दैट मीन्स दैट विल बी योर पर्टिकुलर, ओके? सो नाउ लेट मी टेल यू। यहाँ देखिए मैंने फर्स्ट राइट किया है वासु एंड प्रभु। Students, you have seen there are given the two boys. There are two boys in the story, Vasu and Prabhu. Okay, Vasu and Prabhu पहले write कर देंगे। और Vasu and Prabhu जो हैं वो किस noun में हैं? They are in which naming word? They are in proper naming word. Okay, that's why I have underlined. मैंने underline किया ना Vasu को भी and Prabhu को भी, because they both words are in proper noun. Next, Amma, it's also in proper noun, and Appa, it's also in proper noun. देखिए अंडरलाइन किया गया है, आप भी कर देंगे बुक में, ठीक है?
नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हम कुछ थिंग्स के नेम भी हम फाइंड कर सकते हैं. थिंग्स लाइक योर डोसा वॉज देयर, कर्ड राइस वॉज देयर, ठीक है ना, टेबल वॉज देयर, दिस ऑल द थिंग्स वॉज देयर ना इन योर चैप्टर. तो यहाँ पे देखिए मैंने डोसा राइट किया है. डोसा, डोसा आपका थिंग्स है, ठीक है, नेमिंग वर्ड है, डोसा राइट कर दिए हैं. फ्रेंड जो है, फ्रेंड्स वो भी आपका नेमिंग वर्ड है, मीन्स ये आपका कॉमन नाउन है, ठीक है. एंड यू हैव सम मोर टू डू दैट. नाउ वी हैव डन हियर चॉकलेट्स, इट्स ऑल्सो द थिंग्स. ओके, चॉकलेट आपका क्या है, ऑल्सो थिंग्स है. बौद्धी जो है वो भी क्या है, वो भी आपका थिंग्स ही है. राइस भी आपका थिंग्स है, लंच भी थिंग्स है, क्रिकेट है, ठीक है. और ये आपका जो कर्ड राइस है, कर्ड राइस ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका थिंग्स है. मीन्स ये सारी जो भी नेम्स हैं वो आपके नेमिंग वर्ड हैं, ठीक है ना, नेमिंग वर्ड. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज दीज, आर इफ यू वॉन्ट टू राइट समथिंग एल्स आर अदर वर्ड्स, सो यू कैन ऑल्सो फाइंड दैट वन फ्रॉम योर, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम योर स्टोरी, फ्रॉम द स्टोरी, दी डबल मिडल स्टोरी से क्या करेंगे, कुछ नेमिंग वर्ड्स फाइंड कर देंगे. मीन्स दैट कैन बी द नेम ऑफ पीपल, पर्सन, एनिमल्स आर थिंग, ठीक है ना, नेमिंग वर्ड होना चाहिए वो. क्लियर? सो स्टूडेंट्स यू हैव टू डू इट इन योर बुक टूडे, यू हैव टू कम्प्लीट इट वेरी क्लियरली इन योर बुक. क्लियर? नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द एक्सरसाइज नंबर 10. नाउ सी, रीड द कॉमन नेमिंग वर्ड एंड राइट अ प्रॉपर नेम टू गो विद इट. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. रीड द कॉमन नेमिंग वर्ड स्टूडेंट्स, लेट्स सी हियर. देयर आर गिवन सम वर्ड्स एंड विच आर इन कॉमन नाउन. या देखिए कॉमन नाउन मेंशन है ना, इन सारे कॉमन नाउन और कॉमन नेमिंग वर्ड्स को रीड करेंगे. राइट अ प्रॉपर नेम एंड फॉर दीज कॉमन नेमिंग वर्ड्स यू हैव टू राइट डाउन देयर प्रॉपर नेम्स. मीन्स कॉमन नाउन में जो भी आपके वर्ड्स दिए गए हैं उससे रिलेटेड आपको प्रॉपर नाउन में वर्ड लिखना है, ठीक है ना. यू हैव टू गो जस्ट विद दीज कॉमन नाउन. एज यू कैन सी द फर्स्ट वन, सिटी, सिटी इज़ इन अ कॉमन नाउन एंड इन प्रॉपर नाउन. लिसन, इन कॉमन नाउन सिटी, वो सिटी इज़ इन जनरल, मीन्स देयर इज़ नो एनी सिटी, नो एनी स्पेसिफिक सिटी, देयर इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक सिटी आर पार्टिकुलर सिटी. बट इन प्रॉपर नाउन, एज यू रिमेंबर, एज आई हैव एक्सप्लेन, आई थिंक यू ऑल हैव रिमेंबर, इन प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसमें जो भी वर्ड्स हम राइट करते हैं वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है, पर्टिकुलर होता है. उसमें हम किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर थिंग्स का नेम ही राइट कर सकते हैं. लाइक अगर आपका सिटी है तो उसमें वी हैव टू टेक एनी वन सिटी नेम, सिटी नेम इसमें राइट करेंगे, ठीक है. तो यहाँ आप देख सकते हैं सिटी, देयर इज रिटन अबाउट दी दिल्ली. सो यू कैन ऑल्सो चेंज इट, लाइक यू कैन राइट योर ओन, लाइक दिल्ली, मुंबई, ओके, कैलकटा, जो भी आप सिटी लिखना चाहें उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, इन सिटीज़ में. नेक्स्ट यू हैव गर्ल. गर्ल मीन्स यू विल राइट अ गर्ल्स नेम इन प्रॉपर नाउन. आई हैव रिटन स्नेहा, यू कैन राइट डाउन योर ओन नेम, योर ब्रदर्स नेम, ठीक है, आप अपना नेम भी लिख सकते हैं, ब्रदर का नेम भी लिख सकते हैं, सिस्टर का नेम भी राइट कर सकते हैं. क्लियर? दैट शुड बी, ब्रदर का नेम नहीं राइट, क्योंकि यहाँ पे आपका गर्ल है ना, ओनली यू हैव टू राइट और यू कैन राइट एनी गर्ल्स नेम लाइक योर सिस्टर्स और कजिन्स, आप इसको राइट कर सकते हैं. क्लियर? नो नीड टू राइट द सेम वर्ड, सेम वर्ड कोई राइट नहीं करेगा, यू ऑल हैव टू राइट योर ओन वर्ड. आई हैव रिटन हेयर ओनली जस्ट फॉर मेकिंग अंडरस्टैंड. ओके, स्टेट, यहाँ देखिए स्टेट आपका है एंड स्टेट इज इन योर कॉमन. एंड वेन We will go with this common noun for a proper noun. Then आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मैंने स्टेट किया है. If you belongs to any other state, means you can mention about your own state or any other state also you can write. Okay, clear? Next day, day you have, day आपका है, day I have written here Monday. But if you want to change, you can also write down any other day like your Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, सैटरडे, ठीक है, कोई भी डे आप राइट कर सकते हो. ओके, देन दैट विल बीन प्लूरल. एंड बॉय, बॉय एनी बॉयज नेम यू कैन राइट, यू कैन राइट, यू कैन जस्ट राइट योर ओन नेम और योर ब्रदर्स नेम और एनी वंस नेम, बट दैट शुड बी अ बॉयज नेम, ठीक है ना, पर्टिकुलर नेम, स्पेसिफिक नेम देयर शुड बी. मंथ आपका है, जस्ट लाइक आई हैव रिटन अगस्त,
because this month is running on na, that's why I have written. But if you want to change it and you want to write any other month's name, so you can write. Like your festival, that's Diwali. Okay, if you want to keep any other festival, so you can. Okay, or you will write. Country, India hai, any other country, China, okay? And any other country which you like most, you can write down, ठीक है? जो भी country आप like करते हो, वो आप write कर सकते हैं, or whichever you want to write, you can write down. Clear? And teacher. Teacher, I have left these two, okay, for you all. Because to whom you like most, you can write down your teacher's name, okay? And school name also, you can write down your own school name, or ठीक है, स्कूल नेम में आप क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल का नेम यहाँ पे राइट कर सकते हैं. बट बी रिमेंबर द फर्स्ट लेटर ऑफ योर वर्ड शुड बी इन द कैपिटल लेटर. ठीक है, कैपिटल लेटर में होना चाहिए. क्लियर? ओके. टीचर में आप जिस टीचर को भी लाइक करते हैं और वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, यू कैन राइट डाउन. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इट्स एक्सरसाइज अबाउट एक्सरसाइज 10. होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टूडेज वर्क. Okay, now we were on page number 24. Now let's come to see the exercises of page number 25 exercise. Students, you can see we are on 25, and that's about your think and say. Identical twins just look like each other. Do you think they think behave like each other? Also, identical twins jo hain look just like each other means identical twins jo hote hain wo bilkul ek jaise dikhte hain. ठीक है ना? Do you think, क्या आप सोचते हैं? They think, वो सोचते हैं. And behave like each other also, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि वो लोग एक जैसी thinking रखते हैं and एक जैसा behave भी करते हैं. Means you can identify this type of twins in your neighbors. Means if you are having this type of twins, so you can analyze about that, कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं क्या वो सेम, उनकी थिंकिंग भी सेम होती है और वो एक जैसा बिहेव करते हैं. ठीक है, नहीं देखिए, उनकी जो थिंकिंग है वो डिफरेंट हो सकती है. ओके, दे मे हैव द डिफरेंट थिंकिंग एंड ऑल्सो दे कैन ऑल्सो बिहेव लाइक, नॉट लाइक सेम, दे कैन हैव द डिफरेंट बिहेव according to their environment. ठीक है ना, अपने environment के according इनका जो behavior है, thinking है, वो different हो सकती है. Think and write. Writing a dialogue. Next size about you, writing a dialogue. Imagine what the twins are saying to each other and write it in the dialogue boxes. Imagine, students, imagine, you have to do imagine. Means आपको image करना है, imagine करना है, suppose करना है. What the twins are saying. यहाँ पे देखिए, यहाँ twins है ना, there are two girls and they are just twins. The twins are saying to each other means ये जो दोनों girls हैं, twins हैं, वो they are talking to each other. दोनों आपस में क्या कर रही हैं, talking कर रही हैं, बात कर रही हैं. And then you have to analyze, you have to imagine, you have to suppose that they are talking about which thing, or they are talking about whom, and write in the dialogue boxes. ठीक है, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन योर सेंटेंस इन दी बॉक्सेस. सो आई हैव रिटन लाइक ट्विन फर्स्ट लेटर्स ट्राई टू फूल मदर. मीन जो ट्विन फर्स्ट है, ये ट्विन जो फर्स्ट है वो क्या कर रही है ट्विन सेकेंड से, कि चलो हम क्या करते हैं मम्मी को, क्योंकि जैसे हम लोगों ने ये स्टोरी रीड किया था ना डबल मेडल, तो क्या करते हैं बासु, क्या करते हैं मदर को फूल बनाते हैं ना, और फूल उनको बना करके, और जो प्रभु का जो भी वो डोसा था, ओके, विच वॉज अबाउट दी प्रभुज डोसा, फाइव मोर डोसाज, दैट्स वासु हैज ऑल्सो ईटन. ठीक है ना, उसको भी वासु ने ईट कर लिया था, एंड दैट्स वाई यहाँ पे आपका है लेटस ट्राई टू फूल मदर. वन ट्विन जो है सेकेंड ट्विन से आस्क करती है, से करती है कि चलो हम क्या करते हैं मम्मी को फूल बनाते हैं. ठीक है ना, मुट बनाते हैं ट्विन सेकेंड, एंड देन ट्विन सेकेंड आपकी जो है ये ट्विन सेकेंड, वो क्या कहती है लेट अस डू दैट, यस चलो हम ऐसा करते हैं. एंड नाउ सी इज आस्किंग अबाउट द प्लान, व्हाट इज द प्लान, एंड देन सेकेंड ट्विन, सेकेंड गर्ल इज आस्किंग अबाउट द प्लान ऑफ द फर्स्ट ट्विन.
Clear, students? Now, if you want to change this sentence or if you are having any other sentence in your mind, तो आप उसको भी राइट कर सकते हैं. ठीक है, ये दोनों ट्विन क्या बात कर रही हैं, ये क्या बात करना चाहती हैं. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स. सो नाउ इट वॉज अ टूडेज एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर सेकेंड. नाउ फाइनली वी हैव कम्प्लीटेड द चैप्टर फाइनली वी हैव कम्प्लीटेड द चैप्टर सेकेंड ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे आई विल कम विद अ न्यू चैप्टर विद न्यू टॉपिक्स. ओके, सो लेट्स डू योर टूडेज वर्क इन योर वेयर इन योर बुक. ओके, क्लियरली. And after completing your work, send me your work through the school application and learn your exercises also. Now, thank you. Have a nice day.